सब्सक्राइब करो NC7 न्यूज नू ते लेटेस्ट अपडेट पाउन ले प्रेस करो बेल आइकन। पंजाब दे विच कोरोना दा कहर लगातार जारी है, हर रोज नवे मामले सामने आ रहे ने। विरोधी पार्टियां सरकार वालों कीते जा रहे प्रबंधा ते सवाल चुक रही ने। दूजे पासे कोरोना मरीजां दे परिवारां वालों किते ना किते वी सुनन नूं मिलदा है कि सरकार दे सरकारी हस्पतालां दे विच सहूलतां दी भारी कमी है, साफ सफाई दा माड़ा हाल है। इसे तरह फरीदकोट मेडिकल कॉलेज अते हस्पताल दियां शिकायतां मिलन ते विरोधी पार्टी दे नेता हरपाल सिंह चीमा फरीदकोट मेडिकल कॉलेज पहुंचे ते उन्हां PPE किट पा के कोरोना मरीजां नाल गलबात कीती अते ड्यूटी कर रहे मुलाजमान नूं सन्मानित भी कीता गया। बहुत सारियां जिहड़ियां कंप्लेंट सीयां शिकायतां सीयां मिल रहियां सीयां मेरे ध्यान दे विच सरदार करतार सिंह संधवा MLA साहिबान ने दवाइयां, और उस तों बाद असीं मैडिकल सुपरिटेंडेंट साहब नूं मिलन आया। एक जिहड़ी आ अमृत नाम दी मैडिकल शॉप आ जी वो खुली है, उत्थे बहुत सारिया शिकायतें सी लोगों दी कि बिल सही ढंग नाल जारी नहीं होंदे हैगे। उत्थे जिहड़ा हैगा वो जिहड़े 50% तो उपर मैडिसिन आ जिहड़े डॉक्टर रिकमेंड करदे नेगे खास तौर पर अंदरों वो बाहरों लैणियां पैंदियां नेगियां। सो किस तरह जी पेशेंटा नाल जिहड़ा धक्का हो रहा सी उहदे संबंध च आयांगे। हजे आइसोलेशन वार्ड जाणा गा जिथे कोरोना पेशेंट मरीज ने उत्थे भी जाके आना गा, उन्होंने भी गलबात करने कि उन्होंने जिहड़ियां किन्नी शिकायत आ रही, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मिले नेगे। उन्होंने कहा कि बहुत सारिया मुश्किलों का सामना पैंदा, खास तौर पर साफ सफाई की गल आ और दूजे पासे खाण पीण की गल आ, ये सारिया गल्ला जिहड़ियां हैगियां मरीजां नाल मिलके करते। सर कुछ मरीजों भी पिछले दिन सोशल मीडिया पर भी लाइव होकर दस्या सीगा कि सरकार वालों जो प्रबंध किए गए उस विच काफ़ी कमियां जिहड़ियां मिल रही, उसनों लैके तुसीं की कह रहे हो सरकार दे? देखो पंजाब के सेहत मंत्री साहब क्लेम करते हैं कि पंजाब के जी कोरोना पेशेंटा की अच्छी केयर हो रही है, बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, पर लेकिन अफसोस जो असी ग्राउंड पर जाने क्योंकि जो पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर ने तो बिल्कुल नहीं आते, उन्होंने तो कोई सिंगल हॉस्पिटल पंजाब का चैक नहीं किया, कितने वो गए नहीं है। तुसी देखो कि किस तरह जो प्लाज्मा बैंक बनया, जो पंजाब प्लाज्मा बैंक बनया तो वह बैंक के जोड़े लोगों ने मुफ्त खूनदान करना सी उन्होंने पंजाब सरकार ने सेल पर लाता, उन्होंने बेचण पर लाता 20,000 रुपया रेट रखे। जो आम आदमी पार्टी ने पूरे पंजाब विरोध किया उस गल का, तो सरकार को फैसला वापस लेना पाया। इस तो बाद जो तुम देखा कि शराब की ट्रैजडी जी अमृतसर तरन तारण खडूर साहब बटाला बहुत सारे हल्कों च हुई, उस तो बाद बहुत सारे जोड़े लोगों की मौत चली गई, जिन्हों की जान चली गई, उन्होंने किस तरह उन्होंने जोड़ा है जोड़े आ उ मॉर्चरी से उत्थे सीटिया गया, पर किस तरह दो तीन तीन दिन उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं हुए, एदू बड़े जिहड़ियां की माड़ी हालत हो के पंजाब दे विच दो तीन तीन दिन लाशा पोस्टमार्टम लिए वेट करना पिया। और दूजे पासे पंजाब दे हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं कि पंजाब का हेल्थ सैक्टर बहुत वधिया गा, और तुसी देखो किस तरह जिहड़े हैगे नेगे मुलाजम कामे, चाहे आयुर्वेद डॉक्टर ने, चाहे MBBS डॉक्टर नेगे, चाहे नर्सा नेगियां, चाहे जिहड़े हैगे नेगे साडे अपने हेल्थ वर्कर ने, चाहे पेंडू सेहत सेवावां दे हेल्थ वर्कर ने, सारे प्रोटेस्ट ते ने, सारे धरनियां ते ने। और दूजे पासे सरकार क्लेम करदी है कि बिल्कुल पंजाब ठीक चल रहा, तुसी जाके देखो जिन्ने वार्ड ने पंजाब च बने हुए, जिन्ने आइसोलेशन वार्ड ने, जिन्ने कोविड दे वार्ड ने, सारिया दे विचों कोई ना कोई तरीके दे नाल कदे किसी की वीडियो सामने आउंदी है, कदे किसी की वीडियो सामने आ, इत्थों पता लगता कि पंजाब सरकार दे प्रबंध जिहड़े हैगे नेगे पुख्ता नहीं हैगे, इंतजाम जिहड़े हैगे ने अच्छे नहीं हैगे। जदके आम आदमी पार्टी सुजैस करती है पंजाब के CM साहब नूं, पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर नूं कि दिल्ली का मॉडल अडॉप्ट करो। दिल्ली के इन्नी संघनी आबादी होने के बावजूद, इन्नी संघनी आबादी होने के बावजूद जिहड़ा हैगा उत्थे कंट्रोल कर लिया, दिल्ली सरकार के मॉडल नूं जिहड़ा हैगा पूरे संसार दीआं जिहड़ियां सरकारां ने अडॉप्ट कर रही ने, उन्होंने जिहड़ा हैगा मन रही ने, पर लेकिन पंजाब दे विच कैप्टन साहब दे विच बहुत ज़्यादा जिहड़ी आ हंकार आ, पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर बहुत ज़्यादा अहंकार आ, जिहड़ा हैगा इन बहुत ज़्यादा ईगो आ, ये किसी की गल सुनने तैयार नहीं, लोगों दी जानां नाल खेड रहे हैं। असीं बेनती करते हैं कि अपनी ईगो छड्डो, अपना अहंकार छड्डो, तुसीं लोगों नूं बचाउणा। जिस ढंग नाल पंजाब दे विच जिहड़ा हैगा स्पाइक हो रहा, जिस तरह जिहड़ा हैगा कोरोना पेशेंट वध रहे नेगे, उत्थों आने वाला लगता कि आने वाले समय के पंजाब सरकार जिहड़ी आ बिल्कुल ही फेल हो जाणी है, पंजाब सरकार कोई इंतजाम ही नहीं रहने कि इस तरह जिहड़े हैगे नेगे पंजाब दे वार्ड दे वार्ड भर जाने नेगे। सो सरकार नूं चाहिए कि पुख्ता इंतजाम करन, और दिल्ली मॉडल जिहड़ा हैगा जिहड़ा सक्सैसफुल मॉडल आ, जिहनूं ऐसा समझदा वर्ल्ड दे विच लोक वड्डियां सरकारां प्यार करदियां, उहनूं अडॉप्ट करदियां, उहनूं लागू करदियां नेगियां, पंजाब च भी लागू करना चाहिए। सर बार बार तुसीं गल इक्को गल करदे हो कि दिल्ली मॉडल नूं अपनाया जाए, जबकि जिहड़ा कोविड नूं लैके गाइडलाइनस केंद्र सरकार दीआं सारे राज्यां दी, भावें पंजाब होवे, दिल्ली होवे, राजस्थान होवे, सब लई गाइडलाइन इक्को जिही है, फिर आपां किस तरह कह सकदे हां दिल्ली मॉडल लग गया उत्थे कंट्रोल जल्दी हो गया? देखो उत्थे जिहड़ा हैगा होम इंसोलेशन हुई आ, होम घर क्वारंटेन की गई है, उत्थे ऑक्सीमीटर जोड़े है घर दिए गए हैं, उत्थे ऑक्सीजन जोड़े है सिलेंडर वो घर सप्लाई किए, उत्थे जाके जोड़ा है घर डॉक्टर गए हैं, घर जी लोगों मेडिसन मुहैया कराई है, घर प्रबंध किए गए हैं, वो मॉडल जोड़ा है
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਲੱਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 5-star ਹੋਟਲਾਂ ਸਟੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਰਸਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ 5-star ਹੋਟਲਾਂ ਸਟੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਾਮੇ ਨੇਗੇ ਫਰੰਟ ਲੜਨ 'ਤੇ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਹੜਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨੇਗੇ, ਨਰਸਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨੇਗੇ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹੜਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਕਾਮੇ ਹੜਤਾਲਾਂ 'ਤੇ। ਹੜਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨੇਗੇ? ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਆ। ਉਧਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। देखो ऐसे है कि साढ़े को पेशेंट बहुत डिस्ट्रिक्स तो आ रहे हैं, काफ़ी डिस्ट्रिक्स तो आ रहे हैं कि एलीगेशन मैंने आइडिया नहीं कि इन्होंने की एलीगेशन लाए, पर जो थोड़े तो सुने कहते जी पानी नहीं है, इन्होंने दवाई नहीं मिलती पी, दवाई सारी पंजाब सरकार तो फ्री दवाई आ रही है, असी वो अपने स्टोर तो रेंट करा के दे रहे हैं, किट्स मिल रही हैं, मास्क मिल रहे हैं, डाइट डिपार्टमेंट जो सा है वो मैं डाइट प्रोवाइड कर रहा, अपना डाइट डिपार्टमेंट है, असं बाहरों कोई खाना नहीं किसी को, पर जो कोई चाहता तो असं वही उन्होंने प्रोवाइड करते पे। पानी लिए असी इन्हों बिस्लरी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, साढ़े अंदर कैंटर भी है जिन्हों जो कैंट साढ़े जज्स है वो देंगे, बाकी फिर भी जो कोई इन्हों है तो असं होर इंप्रूव करने की कोशिश करा। अपने मेडिकल कॉलेज पूरे प्रबंध है जिन्ना कि मैं देख रहा क्योंकि मैं आप ही सारा देखता पाया, साढ़ा ग्रुप्स भी बनया, साढ़े उसे कंसल्टेंट के अलग रोस्टर बने हैं, जे आर के अलग रोस्टर बने हैं, असी उस तो बाद काफ़ी इंप्रूव करने की कोशिश की है। एक डॉक्टर साढ़ा बाहर हों, एक अंदर हों, इस तरह स्टाफ है, बाकी थोड़ा बहुत जिन्ना भी सोच रहे हैं अभी होर इंक्लूड कर सकते हैं।